पीडीपी की जानिब से आज जम्मू में एहतजाज किया। ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पीडीपी ऑफिस जम्मू की है, जहां पर पीडीपी कारकुन की जानिब से लगातार एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज उनका ये कहना है कि 5 मरला ज़मीन, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया था कि जम्मू कश्मीर के लैंडलेस लोगों को 5 मरला ज़मीन जो है दी जाएगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पीडीपी कारकुन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी बैरूनी रियासत के लोगों को यहाँ पर बसाना चाहती है। पीडीपी के कारकुन का ये भी कहना है कि बैरूनी रियासत के लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कई तरह के क्राइम बढ़ेंगे। अगर बैरूनी रियासत के लोग सबसे ज़्यादा कहीं आकर बसेंगे तो जम्मू में आकर बसेंगे, क्योंकि वादी कश्मीर के हालात जो है अभी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से जो है लोग कश्मीर में जाकर बसे। मैं आपको बता दूँ कि पीडीपी के कारकुन का ये भी कहना है कि लगातार जिस तरह से जम्मू के लोगों ने बीजेपी पर विश्वास किया था और बीजेपी को जो है 25 सीटें दी थी, लेकिन बीजेपी के लीडर्स ने जो है जम्मू के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। आने वाले वक्त में लोग जो है जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से जम्मू से बाहर करना है। वहीं पीडीपी के कारकुन ने लोगों से ये इल्तिजा की कि वो सड़कों पर आएँ और एहतजाज करें, ताकि इस तरह के काले कानून जो है जम्मू कश्मीर में नाफिज ना हो। आए दिन जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जो है नए नए कानून नाफिज किए जाते हैं, जिसका जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल भी स्वागत नहीं करते हैं। वहीं पीडीपी के कारकुन का ये भी कहना कि लगातार जिस तरह वादी कश्मीर में कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया था, उन्हें जो है बाहर नहीं जाने दिया गया था। जिस तरह से आप जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती मज़ार पर जो है दुआ मांगने जा रही थी, लेकिन उसे जो है वहाँ तक जाने नहीं दिया, बाहर पुलिस ने जो है उसे हाउस अरेस्ट कर दिया, हालांकि कोई वजह भी नहीं बताई। वहीं पीडीपी के कारकुन का ये भी कहना कि वादी कश्मीर में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, कोई भी इंसान जो है वादी कश्मीर में ज़मीन खरीदने नहीं जाएगा। अगर 5 मरला ज़मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और बीजेपी के लोग देंगे तो वो आकर जम्मू में ही बसेंगे, क्योंकि जम्मू में ही अभी जो हालात है वो साजगार हैं और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है जम्मू के लोगों को होगा। बहरहाल आने वाले वक्त में किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका असर देखने को मिलेगा, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार पीडीपी एनसी और तमाम जो भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो 5 मरला ज़मीन पर जो है लगातार एहतजाज कर रही है, और उनका ये कहना है कि बीजेपी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है आए दिन लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ जो है आए दिन नए नए कानून जो है नाफिज कर देते हैं, जिसका जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा नुकसान हो रहा है, और जो भी कानून जम्मू कश्मीर में लागू किए जा रहे हैं वो जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी के खिलाफ नाफिज किए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स की बात की जाए, 5 मरला ज़मीन की बात की जाए, आए दिन जो है नए नए कानून जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जो है थोप दिए जाते हैं। बहरहाल आप लोगों की इस खबर के बारे में क्या कुछ राय, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।